ये खातन जो है वो कहा मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुबोट में बात करेंगे वो लोग ये अपने साथ कुछ एक मिनट की बात हो गई दूसरे हमारी आपसे गुजारिश है आप आइए एक दो मिनट जरा तरफ से यहाँ पर एक डेरा डलवाइए सतरंजी चार बैराला फजर की नमाज कराने की जिम्मेदारी ली है। मेरा क्या है अभी मैं इंस्पेक्टर हमारी टीम को बुला के बोल दिया हूँ कि कल दिन में पूरा स्ट्रक्चर टीन का शेड के हिसाब से कल शाम तक डलवा के उसके बाद नमाज स्टार्ट कर देने के बाद फिर आगे पक्का फजर की नमाज होना फजर की नमाज अगर नहीं हुई तो समझो आप जोहर नहीं होती असर नहीं होती मगरिब नहीं होती ईशा नहीं होती ये हमारा साबिका एक्सपीरियंस है फजर की नमाज या के मुकाम जाने के बाद में पर्टिकुलर आप एक्शन में आके बोला डीसीपी को ये बात बोला अभी शाम में वो घाटे हटाना क्या अरे नहीं डीसीपी साहब है आप वक्फ बोर्ड चेयरमैन है वो कौन आए कौन गए उससे हमारा वास्ता नहीं है सब मस्जिद के लिए आए हुए आप बहसियत वक्फ बोर्ड आप यहाँ डेरा डलाइए फजर की नमाज होना जोहर की इंतजाम करते थे डेरा का नहीं भी होगा तो अपने तरफ से नहीं हुआ आप डी सी पी को ये बात बोलो वक्फ बोर्ड ये काम कर रही है साहब आप प्रोटेक्शन दियो बोलो बोलो डी सी पी है यहीं बोलो उजाले में बोला नहीं जाते माफ हटो सब चलिए चलिए हो गया जा रहे आगे चल रहा दो सौ लोग मेरा नंबर दिया इंस्पेक्टर का अगर कुछ है तो सीखे तो देर के बात कर रहा हूँ कल आ रहे हैं वक्फ बोर्ड का एक मस्जिद थी कदीम मस्जिद थी शायद 300-400 साल पुरानी मस्जिद है थी उसको शहीद किया गया। जैसे ही हमको लोकल पुलिस के थ्रू ये इत्तला मिली तो हम लोग जो है यहाँ पे स्पॉट पे आए फहीम भाई अपने एमएलए साहब एमएलसी साहब रहमत बेग साहब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब अजमतुल्ला साहब हमारे सीओ साहब ये सारे लोग यहाँ पे स्पॉट पे आए। उससे पहले जो है यहाँ के मुकामी लोग भी आ चुके थे पुलिस स्टेशन में भी आ चुके थे। पुलिस स्टेशन में आने के बाद जो है पुलिस के थ्रू जो है प्रॉपर कोऑपरेशन मिला पुलिस जो है बहुत ही स्पीडली इसमें काम की है और इमीडिएटली जो है कुछ लोगों को जेसीबी को भी सीज किया गया है। पुलिस जो है इसमें फर्दर कार्रवाई कर रही है आगे बढ़ रही है इंशाअल्लाह ताला जो है पुलिस लॉ के और मेरिट के हिसाब से काम करेगी और प्रॉपर सेक्शन में प्रॉपर धाराओं में केस बुक किया गया है वो हमको भी बताया गया है जो कि प्रॉपर है और हम लोगों ने भी लोकल डीसीपी साहब से रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द जो इस बुरे काम में जो लोग थे उनको गिरफ्तार किया जाए और इसके साथ ही साथ जो है मस्जिद जो यहाँ पे शहीद हुई है आज उस मस्जिद के लिए हम लोग इमीडिएटली उसके आज बुनियाद भी रखे संगे बुनियाद भी रखी गई है यहाँ पे यहाँ के जो लोकल इमाम साहब हैं लोकल के यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो सब लोग फहीम भाई फहीम साहब के सामने एमएलसी साहब के सामने अजमतुल्ला साहब के सामने ये सब लोगों ने इस चीज़ को पूरे जोर से रखा है कि इंशाल्लाह आज से ही इस मस्जिद का तामीर बोर्ड के थ्रू इसको अंजाम दिया जाएगा। वक्फ बोर्ड चूँकि ये वक्फ प्रॉपर्टी थी तो वक्फ बोर्ड के थ्रू इसको अंजाम दिया जाएगा और हम लोग जो है बिना रुके इस काम को पूरा करेंगे और मेरी गुजारिश है कि अमन चैन बना के रखें यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसी भाईचारा
पूरी तरह से यहाँ पे बरकरार है और बरकरार रहेगी। ये कुछ जो है रियल्टर तबके के लोग जो है यहाँ के आपसी यहाँ के लोगों को से छिपाते हुए इस चीज का जो है काम को अंजाम दिया है। इवन कि यहाँ के जो हिंदू भाई हैं वही जाके पुलिस स्टेशन में इसके बारे में इसका इन्फॉर्मेशन दिए हैं। हम उन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। इसी तरह से अगर हमारे देश में आपस में मिलके रहेंगे तो हम दोनों का हम लोगों का काम चलता रहेगा और हम लोगों की तरक्की होती रहेगी। मैं एक बार फिर से हिंदू भाइयों का हमारे हिंदू भाइयों का यहाँ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। पुलिस का यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट काम हुआ है उसके लिए मैं डीसीपी साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके पूरे टीम का, मोइनाबाद सीआई साहब का और एसीपी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ जो है फहीम भाई का, एमएलसी साहब का, अजमतुल्ला साहब का और आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, वक्फ़ की प्रॉपर्टी को बचाने में आप लोगों ने बहुत दिलचस्पी दिखाई है। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसको जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर से आके इंशाअल्लाह ताला सब लोग आके यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। और जो भी लोग इसको किए हैं और इस तरह का मंशा रखने वाले, वक्फ प्रॉपर्टी को दबाने का मंशा रखने वाले जो लोग भी हैं उनको मैं खबरदार करता हूँ कि अब जो है हमारे वक्फ बोर्ड की तरफ से और हमारे सरकार की तरफ से बहुत बहुत सीरियस एक्शन लिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री साहब, हमारे सीएम साहब भी वक्फ प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हर मीटिंग में हम लोगों को उस बारे में ही बोलते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम लोग उनकी जो उम्मीदें हैं उसको पूरा करेंगे। और वंस अगेन मैं सारे मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए, बड़ी तादाद में आए और आकर हम लोगों के साथ में यहाँ पे रात में भी आकर इसको कवरेज दिया है, इसको पूरा साहब के सामने लाया है। तो आपका भी जो काम है काबिले तारीफ है। और एक बार मैं डीसीपी साहब से फिर से गुजारिश करूंगा कि जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं आप डीप इन्वेस्टिगेशन करें, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। जी 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 जरूर जरूर। आज ये मोइनाबाद में जो हुई चिलकुर के मस्जिद के साथ हुई वो बहुत बुरा है। द मोमेंट वो लोगों का इंफॉर्मेशन आने इमीडिएटली आप लोग हमारे लोगों पुलिस पूरा पार्टी हमारा गांव वाले जो मुसलमान भाई आके हम कंप्लेंट करे और लोकल हिंदूज भी सब लोगों आके पहले यहाँ देखे थे, देखने के बाद वो केस कंप्लेंट लिए थे हर बड़ा सेक्शन लगा के। अब उन खानों से कई तरफ से किसी तरफ से भी बाहर नहीं जाना हो जाए ऐसा एक केस भी करे और उन ये काम कोई भी होना बोल के दूसरा लोगों से नहीं तो गवर्नमेंट से नहीं हुई। तो ये रियल एस्टेट का है, वो ये ज़मीन कम से कम 20-25 साल से पड़ा हुआ है, कोई भी नए आने वाले देखने वाले देखभाल भी नहीं है, वॉचमैन भी नहीं रहती थी। अब अच्छा हुआ जब ही इमीडिएटली वो लोगों देख के हमारे को कंप्लेंट करे केस करे। अभी तक एक जेसीबी ड्राइवर है, जेसीबी को तो लाए, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक जो नाम आ रहा वो तो US में है और लेकिन जब ही जब हमारा इंस्पेक्टर साहब ने वो धरनी से निकाला और दूसरा नाम भी आया उनके घर पर भी टीम सब गए इमीडिएटली विदाउट एनी डिले से नहीं और जब भी अभी अरेस्ट कर देते। अब सब लोगों को ये इसमें मदद करे सो या कांस्टेंसी इंचार्ज वो दर्शन हो नहीं तो सब बड़े लोगों को सबको हम पुलिस का डिपार्टमेंट से हम शुक्रिया अदा करते क्योंकि इतना जल्दी से जल्दी इनिशिएट लेके गवर्नमेंट से भी आया और ये फाउंडेशन भी डाले, नमाज ऑफर करे। हम 100% हमारा पूरा एरिया में राजेंद्र नगर जोन में बहुत है मिक्सड पॉपुलेशन, आम जनता गंगा जमुना तफजीज ऐसा रहता है, यही मेंटेन करने को हम हमारा कोशिश करेंगे, अच्छा अमन शांति रखने के लिए हमारा तरफ से कोशिश करेंगे। और वो जो करा उसके पीछे पड़ रहे पूरा सीपी साहब भी पर्सनली मॉनिटर कर रहा है, SOT टीम्स है सबको ला के उसके कानून के कार्रवाई करवा रहे।
बोल दो स्ट्रक्चर आज कितने दिन में बन रहा, बात करिए नेक्स्ट नमाज क्या टाइम पे हो आज, उसके बाद आज शमशाबाद में जो हादसा हुआ है, मैं सुबह में पहले हुकूमत तेलंगाना की तरफ से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है यहाँ पे वाकई पर आए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से बात की है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस चीज़ की मजम्मत करती है, क्योंकि कोई भी इबादतगाह किसी भी तबके के लोगों का रहें दो उसकी बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजम्मत करती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की तरफ से भी फहीम साहब, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और ख़ास तौर पर यहाँ के जो DCP साहब है उन्होंने अच्छा काम किए हैं और यहाँ के मुकामी जो लोग हैं